Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel. That can reach more and more students. Thank you once again. चलिए alternating current chapter के हम आगे proceed करते हैं. यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस से कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये आरएमएस वैल्यू है क्या. तो यहां पर इसके कई नाम हैं. न्यूमेरिकल में अपने को अलग अलग नामों की आवश्यकता पड़ती है या अलग अलग नाम दे रखते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है. इसीलिए पहले ही यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस भी बोला जाता है इसको. इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है और इसका नाम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी बोला जाता है. तो इसके पहली बात ध्यान रखिए कि इसमें कौन कौन से नाम है, कौन कौन से यूज किए जाते हैं, वर्चुअल, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस. अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो पिछली बार, जो पिछले चैप्टर में मैंने अभी बात की थी, सबसे पहले अपने पिछले लेक्चर में इसमें मीन वैल्यू के बारे में बात की थी. तो उसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं या इस अल्टरनेटिंग करंट का जो मेजरमेंट करते हैं वो स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेजरमेंट वही है, क्योंकि वो मेजरमेंट फिक्स है और ये मेजरमेंट जो है वेरिएबल है. तो यहां पर भी इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट. यहां पर ध्यान रखिए कि कहां से डिफाइन किया जाता है कि वो वैल्यू डायरेक्ट करंट की, डायरेक्ट करंट की विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट. आरएमएस वैल्यू हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है. तो सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर एज इज प्रोड्यूस, कितनी प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट, जितनी हीट प्रोड्यूस करता है जितनी की अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड द सेम टाइम. सेम टाइम में जितना करंट उसमें पास होता है उतनी हीटिंग आपका डायरेक्ट करंट करता है. मतलब आपका जो थर्मल इफेक्ट है डीसी का वो आपके एसी के थर्मल इफेक्ट के बराबर होगा एक कंप्लीट साइकिल में. तो सबसे पहले मीनिंग समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्या कहा गया है कि सबसे पहले इसको हम मेजर कैसे करते हैं. मेजर हम स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट से मेजर करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को. ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से बात दोहरा देता हूं. इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, वो वैल्यू डायरेक्ट करंट की जिसमें विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट, उतना ही हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है जितना कि उसी टाइम में अल्टरनेटिंग करंट में होता है. तो आई होप सो अभी ये बात समझ में आ गई है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन के लिए. चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एसी के लिए जो फॉर्मूला है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. और ये कैसे आया है ये मेरे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं. आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट. अब हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो थर्मल इफेक्ट आपका डीसी प्रोड्यूस करता है कंप्लीट साइकिल के लिए वो आपका एसी करता है. ठीक है, और जनरली हमारे पास एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में 10th में आई थिंक सो ये भी अपन ने पढ़ा है कि थर्मल इफेक्ट एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है. तो ये वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू के बराबर है. मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पर आई आर एम एस स्क्वायर आर, और ये कंप्लीट साइकिल के लिए है, ये कंप्लीट रिजल्ट शो करता है इसलिए यहां पर टी आएगा. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो एच ए सी है वो आपका आई स्क्वायर आर और डी टी आ रहा है. क्यों, क्योंकि हम इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए. यहां पर ये वेरिएबल है क्योंकि ये वेव फॉर्म में साइनोसोइडल है, क्योंकि साइन कर्व है. तो साइन कर्व का मतलब ही कि साइन कर्व को फॉलो करना, मतलब साइनोसोइडल. तो इसका कंप्लीट साइकिल जो है वो अपने को लेना है, इसीलिए अपने को ये फार्मूला अपने को यूज करना होगा इंटीग्रेशन का, कंप्लीट साइकिल आई स्क्वायर आर और डी टी. ओके, क्योंकि अपन छोटे छोटे पार्ट में डी टी को कैलकुलेट कर रहे हैं. यहां तक बात क्लियर हो गई कि यहां पर ये वैल्यू आपकी आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ली जाती है. ठीक है ना, और इसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं.
तो अब यहां पर आई स्क्वायर आरएमएस आर टी, यहां से हम आर जो है गिवन रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टी और आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर और डी टी। तो आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, और यहां पर आर आई स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, आई स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहां से आर आर कैंसल आउट, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू सॉरी यहां टी भी आएगा इक्वल टू आई स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू टी। और ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं, बायो वालों को बता दूं कि फार्मूला कैसे जनरेट होता है, किस प्रकार से बनता है। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू यहां पर जो फार्मूला बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ टू साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज किया वन माइनस कॉस टू थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, राइट। यहां ओमेगा टी मतलब आपका थीटा ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू इन ब्रैकेट दैट इज डी टी फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो टू टी। ओके चलिए आगे देखते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, यहां का टू हम बाहर निकाल लेते हैं जीरो टू टी वन, उसको सेपरेट कर लेते हैं वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी थ्री डी टी, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। आई आर एम एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय टू, डी टी का हो जाएगा टी और अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, और कॉस टू ओमेगा टी का हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी और कोएफिशिएंट टू ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां पर अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो। आई स्क्वायर आर एम एस इज इन टू टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टू अपर लिमिट टी माइनस जीरो, और यहां पर जो होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन टू पाई की ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई बाय टी, और अपर लिमिट यहां पर टी आ जाएगा माइनस साइन टू ओमेगा और जीरो अपॉन टू ओमेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप यहां पर डायरेक्ट जीरो लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, क्यों जीरो लिख सकते हैं क्योंकि साइनसोइडल में पूरे कंप्लीट साइकिल में ये वैल्यू जीरो होती है साइन की वैल्यू, यहां देखिए इस प्रकार से, तो डायरेक्ट भी अगर आप लिख सकते हैं तो यहां पर आपको रीजन लिखना होगा कि साइनसोइडल में पूरे कंप्लीट साइकिल में इसकी जो वैल्यू होती है साइन की वैल्यू जीरो होती है। और अगर समझना है तो यहां पर मैं समझा देता हूं, टी से टी कैंसिल हो गया, फोर पाई मतलब आपको 720, 720 मतलब कंप्लीट दो साइकिल, ये दो साइकिल तो ये भी वैल्यू जीरो हो गई, ये भी वैल्यू जीरो हो गई, साइन जीरो ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई स्क्वायर आर एम एस टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय टू, और ये तो वैल्यू टी हो गई और ये कंप्लीट वैल्यू आपकी जीरो हो गई, ठीक है ना। कैसे हो गई कंप्लीट वैल्यू जीरो, क्योंकि आपके फोर पाई है, फोर पाई मतलब 720, राइट, और ये आपका
टू ओमेगा इंटू जीरो, तो टोटल वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो आई स्क्वेयर आर एम एस टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाई टू इंटू टी, तो टी से टी कैंसल आउट हो गया, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। ये वैल्यू होती है आर एम एस वैल्यू, रूट मीन वैल्यू, आई नॉट बाय रूट टू, यानी आई नॉट जो होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रूट टू टाइम्स, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस वैल्यू होती है, ठीक है ना, और या फिर 0.707 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये दोनों वैल्यू हो सकती है। एक सीधी सी बात ये है कि आई नॉट, इसीलिए कोई बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट, व्हाई, क्योंकि ये रूट टू टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन आई आर एम एस का। तो याद रखिएगा आई आर एम एस किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये एक प्रकार से हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। चलिए अब हम समझते हैं फेजर डायग्राम को। देखा जाए तो एज सच फेजर डायग्राम का ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन जितने भी हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक दैट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस कॉइल, ये जब हम किसी सर्किट में यूज करते हैं तो उस समय हमारा पोटेंशियल मतलब ईएमएफ और करंट ये दोनों साथ साथ नहीं चलते, किसी किसी में साथ साथ चलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो तो ये साथ साथ चलते हैं, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है ईएमएफ पीछे चलता है, और इंडक्टेंस कॉइल में पोटेंशियल आगे चलता है करंट पीछे चलता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ओवरहेड टैंक मतलब जो पानी घर में पानी की टंकी घरों के ऊपर रखी रहती है, तो उस केस को हम समझते हैं जरा। जनरली जितना उसमें पानी होगा उतना ही उस करंट में करंट का पानी का फ्लो होगा, तो उस वक्त तो हमारा ईएमएफ और करंट सेम चलेगा। लेकिन कभी कभी ये दो केस जो होते हैं इनिशियल और आखिरी स्टेज में, जैसे इनिशियल स्टेज में पानी भर रहा है लेकिन नीचे या हमारे सिंक में बेसिन में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जब तक वो उस लेवल तक नहीं आ जाएगा तब फ्लो चालू नहीं होगा, तो मतलब पोटेंशियल है पर करंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल आगे चल रहा है और करंट जो है मतलब फ्लो जो है वो बाद में चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है आखिरी स्टेज पे मतलब टंकी ऊपर की टंकी में ऊपर के होज में ऊपर ओवरहेड टैंक में पानी खत्म हो चुका है लेकिन जो पाइप में पानी फ्लो हो रहा है वो तब तक नीचे बहेगा, यानी करंट आ गया है, करंट है उसके अंदर और पोटेंशियल जीरो हो चुका है, तो यहां पर करंट लीडिंग कर रहा है पोटेंशियल पीछे चल रहा है। तो उसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये जानकारी अपने को जरूरी है, मतलब ये ग्राफिकल कंसेप्ट अपने को जरूरी है। और यहाँ पर फेजर डायग्राम के दो कंसेप्ट है, एक क्लॉक स्टाइल और दूसरा है वेव स्टाइल। क्लॉक स्टाइल में मतलब जैसे मिनट हैंड आवर हैंड होता है उसी प्रकार से यहां पर इसे दो सर्कल बनाए जाएंगे कोसेंट्रिक, राइट। और इसमें जो आर हैंड और मिनट हैंड, तो यहां पर जैसे हमने यहां पर ये आपका जो बड़ा वाला सर्कल है ये ईएमएफ शो कर रहा है, वो छोटा वाला सर्कल जो है वो करंट शो कर रहा है। तो यहां पर और ये फेज है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और वेव फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से ये आपका ये कंसेप्ट, तो ये वेव फॉर्म हुआ और ये क्लॉक फॉर्म हुआ। तो यहां पर जैसे ये आपका ये आपका मिनट हैंड, ठीक है, और यहां पर ये आपका आर हैंड मतलब ये आर को शो करने वाला, तो ये करंट और ये आपका ईएमएफ, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में फेज डिफरेंस है। सपोज फाइव फेज डिफरेंस है तो यहां पर हम देखते हैं कि ईएमएफ आगे चल रहा है और करंट ही छोटा वाला सर्कल जो है करंट है, यहां लिख देते हैं यहां कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो यहां करंट जो है वो पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार से यहां वेव के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वेव के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ये आपका पोटेंशियल है और ये आपका करंट, ठीक है, तो ये आगे चल रहा है ये पीछे चल रहा है, इस प्रकार से ये आपका ईएमएफ हुआ ये करंट हुआ, तो इस प्रकार से ये फेजर डायग्राम है। और इसी प्रकार से दूसरा सर्कल बनाते हैं,
तो यहां पर ये आपका ईएमएफ है और यहां पर हम देखते हैं इस केस में यहां पर दोनों ही केस एक जैसे हो रहे हैं। तो ठीक है, अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपका आई हुआ, ये आपका ईएमएफ हुआ और दोनों में फेज डिफरेंस फाई है। तो यहां पर हम देखते हैं कि करंट जो है वो यहां पर लीड कर रहा है, मतलब करंट आगे चल रहा है और ये में पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार से ये फेजर डायग्राम होते हैं। अब इनकी इक्वेशन को इक्वेशन से हम कैसे समझे, इक्वेशन से हम ऐसे समझते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये फाई से आगे चल रहा है और करंट जो है ये पीछे चल रहा है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका कैसा है और इससे हम क्या समझते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, चलो इसको हम क्या समझते हैं। अब यहां पर ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि करंट जो है वो फाइव मतलब फाइव फेज से आगे चल रहा है और ईएमएफ पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार से हम फेजर डायग्राम और इक्वेशन को समझ लेंगे। माइनस में भी किया जा सकता है, माइनस में भी कैसे किया जा सकता है, सपोज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओके, और यहां पर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर कौन आगे चल रहा है, अब ये ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ये ओमेगा टी मतलब ये पीछे चल रहा है ईएमएफ और यहां पर भी करंट आगे चल रहा है। तो इस प्रकार से हम वेव को और इक्वेशन को समझ सकते हैं। चलिए अब हम इन्हीं फेजर डायग्राम का हम यूज करते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एसी सर्किट में लगा हुआ है, ये एसी सर्किट का सिंबल है। या तो आप ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो या फिर वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, पर एक बात ध्यान रखिए कि ये इसमें और इसमें क्या चेंज है, तो इसमें जब नो लॉस ऑफ एनी हीटिंग इफेक्ट या सब कुछ हो या रेजिस्टेंस कम बहुत निग्लिजिबल हो सर्किट का, तब हम वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है और जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, राइट, तो हम यहां पर जो यूज करेंगे Q इक्वल टू सी और V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि करंट जो होता है डी क्यू बाय डी टी होता है, तो इसको क्या लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है और इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये हो गया आपका आई, तो ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब एक बात ध्यान रखिए कि हम ये कर क्या रहे, एक्चुअली में हम पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल के जरिए हम देखते हैं करंट आगे चल रहा है पीछे चल रहा है या बराबर चल रहा है, ये हम वैल्यू इसको देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा सी वी नॉट और ये कॉस के फॉर्म में आ रहा है जबकि हमारी इक्वेशन साइन के फॉर्म में, तो इसको कॉस के फॉर्म में कैसे किया जा सकता है, ये तो हमें पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये वाले केस का हम यहां यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ऐसा इसलिए किया कि हमें कंपैरिजन करने में भी हमें इजी रहेगा और इसकी जो कंपैरिजन मतलब तुलना जो करेंगे तो साइन के कर्व से हमें पता चलेगा कि 90 डिग्री या किसी एंगल से आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, तो अब अपने को पता चल गया कि ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री से आगे चल रहा है करंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू, अब इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं,
सपोज कर लेते हैं, और सपोज ये है आई नॉट ओमेगा सी वी नॉट, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो कंपैरिजन हम देख रहे हैं, कंपैरिजन ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर ये वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ है ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करंट आगे चल रहा है, कितना 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। अगर पीछे कुछ फेजर डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन हो तो यहां पर भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईएमएफ का कर्व बना लिया, और अब अपने को पता चल रहा है कि यहां पर I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो यहां पर 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी यहां पर ये आपका जीरो, ये आपका पाई बाय टू, ये हुआ पाई, ये हुआ थ्री पाई बाय टू, और ये हुआ आपका टू पाई, ओके। तो इस प्रकार से यहां से, तो यहां से देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन से यहां से चालू होता है ये इस प्रकार से, तो ये हुआ आपका कर्व, ये आपका 90 डिग्री पर, जब तो ये जीरो था तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये फेजर डायग्राम, और ये करंट शो कर रहा है, डॉटेड पार्ट करंट शो कर रहा है, और ये आपका ईएमएफ, ये आपका वी भी लिख सकते हैं। एक बार ध्यान रखिए, ईएमएफ और वी उस केस में ले रहे हैं जब सर्किट का रेजिस्टेंस ना के बराबर है, ठीक है ना, एक एक्सट्रीम या एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो ये एक तो फेजर डायग्राम हो गया 90 डिग्री कैसे आगे चल रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास पीक वैल्यू है, ध्यान रखिए पीक वैल्यू का मतलब ये होती है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट नोन एज पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या है, हमने क्या कंसिडर की है, आई नॉट ओमेगा सी वी नॉट, ओमेगा सी डिनोमिनेटर में आ गया, वी नॉट अपॉन आई नॉट। अगर हम ओमिक करंट को देखते हैं तो वी नॉट अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, कैपेसिटर की वजह से, इसलिए इसका एक अलग से नाम दिया जा रहा है एक्स सी, ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो एक्स सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और इसकी यूनिट वही ओम है क्योंकि रेजिस्टेंस जैसा ही है, क्या रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर के कारण है। तो एक्स सी से डिनोटेट किया जाता है इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी ओम्स में। अब यहां पर जैसे कि हमने निकाला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा को टू पाई फ्रीक्वेंसी एंड सी, यानी एक्स सी ये टू पाई और सी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स होता है, मतलब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो हमारा एक्स सी जो है वो कम हो जाएगा, या आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्स सी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक्स सी और एफ में, इस प्रकार से बनेगा। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि कैपेसिटर इनकी फ्रीक्वेंसी यहां पर जीरो होती है, ठीक है ना, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती कैपेसिटर में, यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब एक ही दिशा में चलता है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, मतलब आपका एक्स सी इंफिनिटी होता है। जब एक्स सी इंफिनिटी, एक्स सी का मतलब होता है रेजिस्टेंस, एक प्रकार से रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो उसमें कोई भी करंट, मतलब कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें एक्स सी इंफिनिटी होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, अगले कंसेप्ट हम आगे लेंगे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली व्हेन वी विल बिकम सक्सेस, फुल कंट्रीब्यूशन गोज टू योर हार्ड वर्क, बट इफ माय वीडियोस, माय लेक्चर्स, माय क्वेश्चंस विल हेल्प इन योर सक्सेस, आई विल कंसीडर माय सेल्फ लकी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट कैन रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। Thank you once again. Take care. Bye-bye.